नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुगलिया शहर जितने भी नाम हैं उनकी पहचान बदल रही है, लेकिन बीच में आ गए हैं एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। उनका ये कहना है कि अमित शाह का जो सरनेम है वो दरअसल फारसी है, तो क्या अब अमित शाह का नाम भी बदलेगी बीजेपी सरकार? ये जो शाह है ना अमित शाह के नाम में, ये फारसी का नाम है। अब क्या करते नहीं मालूम इनू कलम। इसे कहते हैं आंख से सूरमा निकाल लेना। अजुद्दीन ओवैसी ने तो बीजेपी मुखिया के नाम पर ही सवाल उठा दिया, उस बीजेपी मुखिया के नाम पर सवाल जिसके नुमाइंदे मुगलिया पहचान वाले शहरों के नाम बदलने में लगे हैं। ओवैसी नसीहत दे रहे हैं कि बीजेपी वाले अपने अध्यक्ष अमित शाह का नाम भी बदल दें, क्योंकि अमित शाह के नाम में लगा शाह शब्द पारसी का है। एक बार फिर सुनिए। और आज किसी ने अच्छा कहा, नाम तब्दील कर रहे। ये जो शाह है ना अमित शाह के नाम में, ये फारसी का नाम है। अब क्या करते नहीं मालूम इनू कलम। शाह फारसी का लफ्ज है, अब क्या बदलते कि रखते नहीं मालूम उसको, क्या करते नहीं मालूम शाह को, क्या करते नहीं मालूम। बीजेपी में नाम बदल के खेल में ओवैसी ने राजनीति का नया एंगल तलाश लिया। हैदराबाद में ओवैसी ने बयान दिया, इधर अलीगढ़ में उनके बयान को समर्थन मिला इतिहासकार इरफान हबीब से। इरफान हबीब ने फरमाया कि शाह सरनेम तो ईरानी मूल का है। नहीं, शाह का जो लफ्ज है ये फारसी लफ्ज है, संस्कृत का तो है नहीं है। तो नाम से पहले मतलब शहरों के नाम जो चेंज हो रहा है उससे भाई, तो अगर नाम चेंज करना है तो अपने नाम भी चेंज करें और फिर शहरों पर आए। अजदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम बदलने का शगुफा छोड़ा तो इसकी प्रतिक्रिया भी हुई। बीजेपी और आरएसएस खेमा तो पहले से ही ओवैसी के बयानों पर आग बबूला है। उधर कांग्रेस चुटकी ले रही है कि शहरों के नाम बदलने से ज्यादा आसान तो लोगों का नाम बदलना ही है। उनका बयान गैर जिम्मेवाराना है, कट्टरपंथता हिंसा और द्वेष से भरा हुआ है। उनको अपने मस्तिष्क से कट्टरता हिंसा और द्वेष को ख़त्म करना चाहिए। अगर उनमें हिम्मत थी तो वो कहते कि इस देश से जिन्होंने प्यार किया, इस देश से जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन मुसलमानों के नाम पर इस देश के अंदर सड़कें होनी चाहिए। शहर बदलने से पहले नाम, ये व्यक्ति का नाम बदलना ज्यादा सरल है शहर के नाम बदलने से। पहले ये काम कर ले, बाद में फिर वो बड़ा काम कर ले। अमित शाह के सरनेम पर ओवैसी ने सवाल उठाकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। हालांकि अमित शाह के धर्म और जातीय पहचान को लेकर इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से कई बार बयानबाजी हो चुकी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अप्रैल 2018 में अमित शाह को अहिंदू करार दिया। सिद्धारमैया ने कहा था कि अमित शाह जैन हैं। वो खुद बताएं कि वो हिंदू हैं या अहिंदू। इससे पहले दिसंबर 2017 में कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी अमित शाह के धर्म पर सवाल उठाया था। राज बब्बर ने कहा था कि अमित शाह खुद को हिंदू बताते हैं लेकिन वो जैन हैं। यूपी में बीजेपी के नाम बदल के खेल का रुख बदलकर ओवैसी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ मोड़ दिया, लेकिन यूपी सरकार में ही नाम बदल के इस खेल पर घमासान मचा है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर बागी तेवर अपना रखा है। राजभर भी बीजेपी को सलाह दे रहे हैं कि पहले वो अपने मुस्लिम नेताओं के नाम बदलें। तो मुगलों का नाम बदलने से पहले अगर एलर्जी है मुगलों से, तो उनके खानदान के जैसे राज्य मंत्री हैं मोहसिन रजा जी, तो उनके पिताजी तो मुसलमान हैं, तो उन्होंने नाम रखा है मोहसिन रजा, तो उनका भी नाम बदल दीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन जी, उनके पिताजी भी मुसलमान हैं, आपके साथ है, तो उनका भी नाम बदल दीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पिताजी भी मुसलमान हैं, तो उनका भी नाम बदल दीजिए। अगर नाम बदलने से ही भला होना है तो नाम बदल दीजिए। जिन्हें अपने महापुरुषों और अपने इतिहास पर गौरव की अनुभूति न हो सकती हो, यह विनाशकाली विपरीत बुद्धि का भाव है। अब जहां हजारों की संख्या में विधायक पार्टी के हों और पार्टी के सहयोगी हों, उनमें एक दो लोग क्या कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या कर रहे हैं। तो छोटे मोटे वक्तव्यों पर
मैं नहीं समझता कि कोई बहुत आवश्यकता है किसी बात की टिप्पणी की। पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति शहरों के नाम बदलने पर गर्म है। बीजेपी को लगता है कि उसके इस कदम से उसके हिंदुत्व के एजेंडे को ताकत मिलेगी और चुनावों में उसको फायदा मिलेगा, जबकि विपक्ष बीजेपी के इस एजेंडे की कार तलाश रहा है। शहरों के नाम बदलने के बाद बीजेपी नेताओं के नाम बदलने तक पहुंची है, उसके पीछे भी वजह वही है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हुआ 18 सीटों के लिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में रैली की। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के नोटबंदी से जुड़े सवालों का जवाब दिया और साथ ही कई सारे बयानों के तीर भी छोड़े, लेकिन उन्होंने कामगार वर्सेस नामदार का भी मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के वोट पड़ रहे थे, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने में लगे थे। नोटबंदी पर विपक्ष के हमलों का जवाब मोदी ने बिलासपुर में दिया। और जो माँ बेटे रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पे घूम रहे हैं, वो आज मोदी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। नोटबंदी का हिसाब मांगते, अरे नोटबंदी का कारण ही था फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, उसी के कारण तो आपका कारोबार पकड़ा गया और उसी कारण आपको जमानत पे निकलना पड़ा। ये नोटबंदी के कारण आपको जमानत लेनी पड़ी, ये आप भूल क्यों जाते हो? नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 1 रुपए में 15 पैसे ही जनता तक पहुंचने वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री, एक परिवार के तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां तो सब कुछ परिवार के लिए ही है, वो तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? वो कौन सा पंजा था जो रुपया घिस घिस करके 15 पैसा बना देता था? ये नोटबंदी ने उन 85 पैसों को बाहर निकाला है। जो उनके पिताजी कह के गए थे उनको बाहर निकालने का काम किया है। मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी थे। मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बहाने एक बार फिर कामदार बनाम नामदार का मुद्दा उठा दिया। अभी कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र निकाला, क्या लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया है, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 36 पॉइंट निकाले। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें मैनिफेस्टो दिया गया, सभी अखबार वालों ने नोटिस किया कि छत्तीसगढ़ के लिए तो 36 पॉइंट, लेकिन वो घोषणा पत्र जारी करते समय नामदार को 150 बार सर 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 कहा गया, 150 बार, यानी उनके लिए छत्तीसगढ़ का महत्व कम था नामदार को, यही उनके लिए सब कुछ था। उधर छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण में 18 सीटों के लिए मतदान हुआ। नक्सलियों के गणतंत्र पर एक बार फिर देश का गणतंत्र हावी रहा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने जमकर मतदान किया। अब दूसरे चरण की 72 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सुनील नामदेव, बिलासपुर आज तक। तो एक और आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से बिलासपुर में रैली की, लेकिन वो पहुंच गए उसके बाद बनारस। यहां पर उन्होंने 2400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात अपने चुनावी क्षेत्र वाराणसी को दे डाली। यहां तक की इनलैंड वाटरवे की शुरुआत भी उन्होंने आज की और गंगा से जुड़ी तमाम योजनाओं को हरी झंडी दिखा दी।
लेकिन ये ऊर्जा थोड़ी बचाए रखिए, 19 तक जरूरत पड़ेगी। करीब 2400 करोड़ का तोहफा लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में काशी के लोगों को संदेश दिया कि असली लड़ाई अब 2019 की ही है। हर हर महादेव। वाराणसी में 2014 से ही मोदी खुद को मां गंगा के बेटे की तरह पेश कर रहे हैं, इसीलिए अब जब उन्होंने वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जल मार्ग की शुरुआत की तो वो इसे पूर्वी भारत के विकास की नई तस्वीर बता रहे हैं। वाराणसी हल्दिया वाटर कंटेनर देश के 4 राज्यों को जोड़ेगा। जब मैंने बनारस और हल्दिया को जल मार्ग से कनेक्ट करने का विचार रखा था तो किस प्रकार इसका मजाक उड़ाया गया था, तमाम नकारात्मक बातें कही गई थी। लेकिन थोड़ी देर पहले कलकत्ता से आए जहाज ने आलोचना करने वालों को खुद ही खुद जवाब दे दिया है। देश का ये पहला कंटेनर वेसल सिर्फ माल ढुलाई की एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, न्यू इंडिया के न्यू विजन का ये जीता जागता सबूत है। वाराणसी में मोदी ने वाटरवे के अलावा 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, साथ ही निर्मल गंगा के मिशन पर खरा उतरने का दावा भी है। प्रधानमंत्री ने 425 करोड़ के सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, साथ ही वाराणसी के रामनगर में सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट की नींव भी रखी। मोदी का दावा है कि वाराणसी की अब पहचान बदल रही है। आप लोगों में जो भी इस बार हवाई जहाज से घर आया होगा वो बाबतपुर हवाई अड्डे से निकलते ही गर्व से भर गया होगा। मुझे बताया गया है कि कुछ दिन के लिए जो बाहर गए लोग अब जब शहर में वापस आ रहे हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो उसी हर हुआ और तरना शिवपुरी के रास्ते से गुजर रहे हैं। वाराणसी को न्यू इंडिया का मॉडल बता रहे मोदी एक बार फिर वाराणसी के जरिए पूरे पूर्वी भारत को खुद से जोड़ने की कोशिश में दिखे। छठ का आप सब माता भगिनी लोगन के बहुत बहुत बधाई बा। रोशन जायसवाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।